बकबक में आप लोगों का वेलकम है। और मैं आज लीगली तरीके से बात करने वाली हूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्रांच ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये बकबक एपिसोड 2 है, क्योंकि किसी लोगों का ना बकबक बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा। और जो बकबक करते हैं वो मुझे पसंद नहीं, पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात क्या है, हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि हम फालतू बातें नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आखिर बात है क्या। तो आपने देखा ही होगा कि सुबह सुबह किसके पास टाइम होता है कि सुबह सुबह बैठ करके वीडियोस बना करके मतलब अपलोड कर देना। यार हैट्स ऑफ है यार, इतना टाइम निकाल करके हम जैसे छोटे यूट्यूबर को आप सपोर्ट कर रहे हो यार, दिल से थैंक यू सो मच। इतना प्यार मत दिखाओ, नहीं तो मेरी आँखों से आंसू आ जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात आखिर है क्या। तो किसी ने बोला है कि आप अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, इतना ही सब कुछ है, तो आप लीगली एक्शन लो, ये करो वो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर यू? आप हैं कौन जो मुझे आकर के एडवाइस करेंगे कि मैं क्या करूं? क्या आपने मेरे से एडवाइस लिया था? नहीं लिया था ना, तो आप मुझे क्यों एडवाइस कर रहे हो यार? क्यों? मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है यार, मैं हूँ, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे सजेशन मत दो, आप खुद का सजेशन अपने पास रखो, मुझे मत देना। हाँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है यार, क्यों फोकट का सजेशन दे रहे हो? फोकट, ओ यार, फ्री से याद आया मुझे, किसी ने बोला था फ्री का तो हम पानी भी नहीं पिलाते हैं यार। जब फ्री का कोई पानी नहीं पिलाता है तो फ्री का किसी चैनल को प्रमोट करने का उसके पास आइडिया कहाँ से आया बताओ ना प्लीज़। आज तक तो किसी ने मेरा चैनल को फ्री में प्रमोट नहीं किया। मुझसे तो कहा गया कि आप मेरे बारे में कुछ वर्ड्स बोलिए तो हम कम्युनिटी पे डालेंगे, और आप फ्री में, फ्री यार। देखो, जिस जिसको चाहिए ना, प्लीज़ जाके लेना ज़रूर, क्योंकि ये जल्दी नहीं मिलता है, नहीं तो फिर पैसे की डिमांड आ जाती है। मेरा कहने का मतलब यही था कि मुझे डराने की कोशिश ना करें तो वो ज़्यादा बेटर हो। प्लीज़ आप जाके किसी और को डराएं, मुझे इंस्टा पे किसी के थ्रू आप आकर के डरा रहे हो कि मैंने इसका चैनल डिलीट करवा दिया, मैंने इसका चैनल ये करवा दिया। तो मुझे पढ़ना आता है, मैं वो डम्ब नहीं हूँ कि मैं किसी के भरोसे आऊँगी, ठीक है। और एक सेकेंड, मेरे ना इधर कोई है ना इधर कोई है, मैं सिंगल काफ़ी हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, ओके। और ना मुझे इस साइड भी किसी की ज़रूरत है, ना मुझे इस साइड किसी की ज़रूरत है। जो तीन लोग आते हैं ना, दो तो वैसे ही हैं, उनके चैनल पर तो व्यूज़ ज़ीरो आती है, बस एक को लेकर के वो आ जाते हैं, उसके कारण वो व्यूज़ मिल जाती हैं उनको, है कि नहीं? मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हो और आप लोग मुझे प्यार करते हो, क्योंकि जो मेरा आइडेंटिटी है, जो मेरा चैनल है, वो मेरे खुद की बदौलत है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ यार कि मेरा कोई, मेरे लिए कोई बोले अगल बगल दाएं बाएं, मुझे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लिए आप इतना टेंशन मत लो यार, मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगी, है ना, मुझे किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट ना करें, है ना। तो आज तेरी मेरी बक 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 यार, बंद करो, कितना बकोगे यार, कुछ तो व्यूज़ पाने के लिए करो, मतलब कुछ भी। अब मेरे को उठा लिया सब, अरे मेरे हजार ही सब्सक्राइबर हुए यार, सब्र रखो, ये बढ़ने वाले हैं, सब्र रखो, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मेरे दम पे है, है ना। और गुड्डन सोरन ने मेरे लिए वीडियो क्या नहीं बना दिया यार, मतलब क्या हो गया है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है सबको। अरे वीडियो बनाया है, वो मुझसे प्यार करती हैं, वो जानती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, और वो अकेले आती हैं, वो भी अकेले आती हैं, हम भी अकेले आते हैं यार, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
सपोर्ट की जिसको ज़रूरत है वो 3-4 लोगों के भीड़ में आते हैं। सिंगल आओ यार, सिंगल आओ। और मैन टू मैन टॉक करना चाहिए, ठीक है, वुमेन टू मैन टॉक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पता है ना आपको अच्छे से, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, तो मैन टू मैन टॉक करो ना। मैन टू वुमेन टॉक कर रहे हो, ओ गॉड, वो भी क्रियांश ब्लॉग। क्रियांश ब्लॉग जो है वो मेरा बच्चा है, क्रियांश जो है वो मेरा छोटा 7 महीना का बच्चा है, ठीक है, उसके नाम से मैंने चैनल क्रिएट किया है। यार कुछ तो सोचा करो, मतलब कुछ भी बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो कि जिस चैनल के बारे में हम बोल रहे हैं उस चैनल का आइडेंटिटी क्या है। खुद का तो लैंग्वेज इतना बकवास, इतना गंदा कि चैनल डिलीट तक, ये वीडियो डिलीट तक करने का नौबत आ जाता है। पहले इस पे कंट्रोल रखो, इस पे कंट्रोल रखोगे ना तो यहाँ पे ना व्यूवर्स के दिल में जाओगे, ठीक है। अगर मुँह से गंदगी उगलोगे ना तो गंदा ही होगा। तो एक बात और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मैंने भी लीगली तरीके से मैं गई हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ पेपर्स दिखाने वाली हूँ। ओह शिट, पेपर कहाँ है, पेपर नहीं है, हाँ, इट्स जस्ट जोक। ये किसी को डराने के लिए ना, ये लीगल नोटिस वाला ना ड्रामा मेरे सामने नहीं खेलना, ठीक है, जो करना है ना करो, ठीक है, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जो तुमने रिकॉर्डिंग भेजा है ना, और तुमने जो 2-3 चैनलों का नाम लिया है, अगर वो चैनल तुम्हारा था तो तुमने वो मुझसे क्यों बोला कि वो चैनल तुमने मोनेटाइज करवाया है? यार हिम्मत है तो बोलो ना, बोल के दिखा दो आप, अगर आपके अंदर इतना ही गट्स है तो। तो मेरे लिए कुछ ना बोले तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने वीडियोस पे ध्यान दें प्लीज़। और अगर किसी को ये बुरा लगा हो तेरी मेरी बकबक में, तो सो सॉरी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप गंदगी उगलोगे तो मैं उसको साफ करना जानती हूँ, और मैं अगल बगल नहीं सिंगल आती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग तेरी मेरी बकबक का पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें, आप लोग अगर कमेंट करते हो ना तो बहुत लोगों ना सैड हो जाते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मेरा साथ ना छोड़े यार। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और मुझे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। और हाँ एक सेकेंड, और यार जो बोल रहा है ना वो किस बैंक में है प्लीज़ मुझे बता देना यार, तुम किस बैंक में हो, सॉरी आप किस बैंक में, मैं तो इज्जत दे रही हूँ आप। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एवरीवन।